नमस्कार। और आज के इस लेक्चर से शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इंटरनेट और WWW से इसमें परिचय करेंगे, और परिचय क्या, पूरा गहन अध्ययन इस चैप्टर में आपका हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये वो सेक्शन है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे ही उठेंगे। ओ लेवल है तो मतलब भरपूर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, नोट्स जो आप देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा मैं शुरू में इसलिए बता देता हूँ कि बच्चे नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं और लेक्चर छोड़ देते हैं। यहाँ पर मुख्य मैं जो कहानियां सुना रहा हूँ आपको, जो लेक्चर दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान से आप सुनते चलोगे तो ये लेक्चर पूरा पानी के जैसे याद करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप ध्यान से सुनते चलिए मेरे साथ। चलिए शुरुआत कर रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहेंगे उम्मीद है। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पर इंटरनेट आता है। अब इंटरनेट आज के क्षेत्र में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए, तो हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल है। जैसे आप और हम कैसे जुड़े हैं आपस में, इंटरनेट के थ्रू ही तो जुड़े हैं। या किसी भी क्षेत्र में देखिए, एजुकेशन में देखिए, मेडिकल में देखिए, या किसी कंस्ट्रक्शन में देखिए, या किसी भी काम में एक्स वाई जेड में देखेंगे तो इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल आज के समय में हो रहा है। तो कोई अगर आपसे आके पूछे कि भाई साहब बताओ इंटरनेट क्या होता है, तो हम किस तरीके से इसको बता सकते हैं एक पढ़े लिखे आदमी के जैसे। तो आपको बताना है कि देखो भाई, इंटरनेट कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जब नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं तो वही इंटरनेट होता है। क्या चीज, फिर से एक बार, नेटवर्क आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं। कि एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन, चार, पांच, छह नेटवर्क आपस में जुड़ गया तो क्या बन गया, इंटरनेट बन गया। ये इतना सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। ठीक है, ये किताब में आपको लिखा मिल जाएगा एग्जैक्ट लाइन, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। अब बात आती है, इंटरनेट तो ये हो गया, तो एक सवाल पूछा जाता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है या इंटरनेट का ओनर कौन है। तो यहां पर देखिए कि इंटरनेट का आपका कोई ओनर नहीं होता है। यहां पर कहा जा रहा है भाई साहब इंटरनेट का कोई ओनर नहीं होता। सर ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गए, हम तो गूगल को जान रहे थे सबका मालिक है, या माइक्रोसॉफ्ट को। बहुत से बच्चे लगा देते हैं इसको सवाल पूछे जाने पर। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, मैं एकदम आराम से ऐसे बच्चों को समझाता हूँ क्लास में कि भाई देखो, सबका अपना एक मोहल्ला है, हर बच्चे एक मोहल्ले में रहते हैं, तो उस मोहल्ले में आपका घर परिवार है, बगल किसी और का घर परिवार है, उसके बगल किसी और का है, ऐसे 10 या 20 मकान होंगे जो आपके मोहल्ले में होंगे, इससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो कोई आए आपसे पूछे भाई इस मोहल्ले का मालिक कौन है, तो आप क्या बताओगे, क्या आप मालिक हो, क्या आपके बगल वाले मालिक हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपने घर के मालिक हैं। क्या चीज, सब लोग अपने घर के मालिक हैं, लेकिन इस पूरे मोहल्ले का मालिक कोई नहीं है। इसी तरीके से इंटरनेट में नेटवर्क का मालिक हो सकता है कोई, लेकिन इंटरनेट का टोटली कोई ओनर नहीं हो सकता। ये चीज दिमाग में बैठा ही है, ठीक। इंटरनेट का कोई भी ओनर नहीं होता है, मोहल्ले का मालिक कोई नहीं होता, घर का मालिक होता है। वैसे नेटवर्क के मालिक हो सकते हैं, पर इंटरनेट के मालिक नहीं हो सकते हैं। यही चीज यहां पर बताई गई है। अब इसमें क्या चीज आपको याद करनी है, तो यहां पर सबसे पहले इस चीज को याद कर लीजिएगा कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये आपका ARPANET का फुल फॉर्म है। अब इसमें थोड़ी सी बेसिक चीजें जो मैंने दे दी हैं, इसको एक बार मन करे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम MCQ क्वेश्चन में सब कुछ कवर ही करेंगे। मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल सारी चीजें आपको क्लियर कराने आया हूँ। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो बेसिक है कंप्यूटर नेटवर्क के वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, बेसिक कंपोनेंट यहाँ पर नेटवर्क एडाप्टर आता है, ट्रांसमिशन मीडिया आता है, सर्वर आता है, क्लाइंट आता है, प्रोटोकॉल आता है, रिसोर्स आता है, और यूजर आता है। सर ये क्या क्या शब्द हैं, आगे के लेक्चर में पूरी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पर शुरुआत करने चल रहे हैं हम लोग एक एक टॉपिक को लेके, ठीक। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, अब इसको एक एक करके ब्रेक करते हैं। मीडियम मतलब क्या होता है बताओ, मीडियम मतलब क्या है, माध्यम। कम्युनिकेशन मतलब संचार का, तो संचार के इंटरनेट में कितने माध्यम हो सकते हैं, जैसे हम आपस में संचार कर रहे हैं, या कोई भी कहीं भी डेटा भेज रहा है या रिसीव कर रहा है, तो कितने तरीके से डेटा को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो भाई मैं तो दो ही तरीका जानता हूँ। पहला तरीका क्या होता है, या तो तार से भेजोगे या तो बिना तार के भेजोगे। इसके अलावा तीसरा तरीका कोई होता है बताओ आप, या तो तार से आप डेटा भेज रहे हो या तो बिना तार के डेटा भेज रहे हो। इसके अलावा तो कोई मीडियम नहीं है ना, दो ही मीडियम है। तो वही चीज यहाँ पर कही गई है कि भैया देखो, दो प्रकार के होते हैं मीडियम। कौन कौन से मीडियम होते हैं, पहला होता है गाइडेड मीडियम, जिसे आप वायर्ड मीडियम कहते हो। क्या चीज, गाइडेड मीडियम। सर ये गाइडेड क्यों लिखा गया है, वायर्ड क्यों नहीं लिखा गया है, दोनों एक ही चीज है।
देखो, जब तार से डिवाइस जुड़ती है, जैसे ये एक डिवाइस हो गई, ये दूसरी डिवाइस हो गई, इसको मैंने तार से जोड़ दिया, ये लिया तार और ऐसे जोड़ दिया, तो देखो जो सिग्नल है उसको हमने गाइड कर दिया कि भाई साहब देखो सिग्नल ऐसे 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 चलना, इसके अलावा किसी और रास्ते से नहीं जा सकता। तार जैसे गया होगा वैसे ही सिग्नल जाएगा। तो जो वायर्ड मीडियम होता है वो गाइडेड होता है, उसको रास्ता पता होता है किस रास्ते से होके जाना है। वहीं पे मान लीजिए वाईफाई से जोड़ दिए तो किसी भी रास्ते से होकर जा सकता है, उसका रास्ता फिक्स नहीं है। तो वायर्ड मीडियम को क्या कहा जाता है? गाइडेड मीडियम। और दूसरा कौन सा मीडियम हो गया? वायरलेस मीडियम। यहां पर नीचे देखिए, पहला देखिए वायर ट्रांसमिशन मीडियम, जिसको हम गाइडेड मीडियम के नाम से जानते हैं, और दूसरा कौन सा हो गया? अनगाइडेड मीडियम, मतलब वायरलेस मीडियम। इसमें अगर दो डिवाइस आपस में जोड़े हो और वायरलेस जुड़ी है, तो सिग्नल चाहे ऐसे ऐसे होके जाए, चाहे ऐसे सीधा चला जाए, चाहे ऐसे नाच घूम के पूरा जाए, कैसे भी जाएगा, बस जाना तय है। लेकिन मीडियम जो है गाइडेड नहीं है, कि निश्चित रास्ता नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? अनगाइडेड मीडियम। तो कोई पूछे भाई साहब ट्रांसमिशन मीडियम कितने टाइप के होते हैं, तो हम कहेंगे भाई दो टाइप के। कौन कौन से? गाइडेड और अनगाइडेड। आगे की तरफ बढ़े, एक एक पार्ट अब समझने चल रहे हैं। चलिए अब चलते हैं गाइडेड मीडियम की तरफ, कि भाई साहब गाइडेड तो हो तो आपके क्या टाइप भी हैं? हाँ भैया, हमारे टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं? तो तीन टाइप यहाँ पर मुख्य तौर पे होते हैं। पहला है कोएक्सियल केबल, दूसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल, और तीसरा है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, कौन कौन से? कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हो सकता है मैं सामने आ रहा हूँ। चलिए अब देखिए, एक एक तार को लेके समझते हैं। सबसे पहले कोएक्सियल केबल कैसे होता है, तो ये केबल देख के आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। ये केबल देखो, कुछ दिमाग में आया कि नहीं आया? जब हम लोग डिस वाला तार बनाते थे, देखिए डीटीएच वाला जो तार होता था, पीछे से निकालो तो ऐसे ही तो होता था, काला तार ऊपर, फिर एक जाली नुमा स्ट्रक्चर, फिर कुछ लगा होता था, उसके अंदर से एक केबल गई रहती थी जो अंदर जाती थी हमारे सेटअप बॉक्स के, या अभी भी जाएं तो देख सकते हैं। तो ये हमारा कोएक्सियल केबल का टाइप होता है, समझ में आई इतनी चीज। फिर आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या चीज होती है? तो नाम देखिए, ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब क्या होता है बताओ? कहते हैं ना भैया कहानी में भाई साहब क्या आ गया? ट्विस्ट आ गया। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ गए। हाँ, तो कहते हैं भाई कहानी में ट्विस्ट आ गया, मतलब कहानी में मोड़ आ गया। तो मुड़ा हुआ जोड़े में तार, ट्विस्टेड पेयर केबल, मुड़ा हुआ जोड़े में तार। तो ऐसे तार जो मुड़े हुए होते हैं और जोड़े में होते हैं, देखो यहाँ पर तार देखो, तो ये दो दो के पेयर में, मतलब दो दो हैं, जोड़े में है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? पेयर। और कैसा पेयर है? ट्विस्टेड है। देखो एक के ऊपर एक लपेटा हुआ है कि नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ट्विस्टेड पेयर केबल। और फिर बारी आती है फाइबर ऑप्टिक केबल की, ये सबसे बेहतरीन तार है। फाइबर ऑप्टिक केबल कौन सा होता है? तो देखिए ऐसा तार जिसमें सिग्नल जो है लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर पाए। देखो नाम क्या है? ऑप्टिक केबल। ऑप्टिक मतलब क्या होता है? लाइट। तो ऐसा तार जिसमें सिग्नल जो है किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है? लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल। और जाहिर सी बात है, अगर सिग्नल लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड बाकियों से काफी तेज होगी, क्योंकि प्रकाश की गति बाकी चीजों के ट्रांसमिशन से तेज ही होती है, ये हमको पता होगा। तो चलिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूँ, याद करने का क्या है यहाँ पर मामला। ऐसा याद करना, नंबर एक पे आपको याद करना है ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर कोएक्सियल केबल, और तीसरे नंबर पे फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक, ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे खराब, खराब का सेंस मैं समझाता हूँ, कोएक्सियल केबल उससे अच्छा, और फाइबर ऑप्टिक केबल उससे अच्छा। ये चीज समझ लीजिए, कैसे मैं कह रहा हूँ अच्छा खराब। तो स्पीड जो है वो सबसे कम ट्विस्टेड पेयर में, फिर कोएक्सियल में, फिर ऑप्टिकल फाइबर में सबसे तेज है। ठीक, देखिए खराब, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। अगर कोई पूछे सिग्नल किस में ज्यादा दूर ट्रेवल कर लेगा, तो सबसे दूर ट्रेवल करेगा फाइबर ऑप्टिक में, ट्विस्टेड पेयर में सबसे कम ट्रेवल करेगा। कौन सा ऐसा तार है जिसमें बाहर से सिग्नल आके मिक्स हो जाते हैं? बाहर से सिग्नल आके मिक्स हो जाना अच्छी क्वालिटी है, खराब है? खराब क्वालिटी है। तो ये खराब क्वालिटी सबसे ज्यादा ट्विस्टेड पेयर केबल में, कोएक्सियल केबल में उससे कम, और फाइबर ऑप्टिकल केबल में सबसे एकदम नेग्लिजिबल होती है। ठीक, तो इस तरीके से याद करना, ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे खराब, मतलब सबसे इसमें कम क्वालिटी का है, कोएक्सियल केबल उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, फाइबर ऑप्टिकल केबल सबसे अच्छी क्वालिटी का है।
चलो गाइड तो हम हो गए, गाइडेड मीडियम हम पढ़ लिए। इसमें और भी सब डिवीजन है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल में सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी के सिलेबस के लिए हमें नहीं लगता आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, तो वो हमने कवर नहीं किया है। और शायद आपके सिलेबस शायद क्या पक्का पक्का पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन। चलो अब बात आई भाई तार से तो जोड़ लिए, बिना तार के जोड़ोगे तो कौन कौन से तरीके हैं? तो हमारे पास रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है और सैटेलाइट है। तीन मीडियम है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट। इसको नाम भर अगर आप याद रखते हैं तो भी आपके ओ लेवल के सिलेबस का काम यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। ठीक, तीनों मीडियम याद रखिए। और भी कई आपको किताबों में मीडियम मिल सकते हैं, परेशान मत होइएगा। लेकिन ये सेक्शन अगर सवाल पूछता है तो गाइडेड मीडियम से ही पूछता है, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है, इसलिए मैं इस तरीके से इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं। अब नेटवर्क एक शब्द है जिसको लगभग लोग शायद समझते हो, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है नेटवर्क। आसान सी चीज है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? नेटवर्क बनेगा। इतना सा याद रखेंगे, नेटवर्क का यही काम है। जैसे हम भी कहते हैं ना, भाई साहब मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब मैं ज्यादा लोग से जुड़ा हूँ। या मैं कहूँ भाई मेरा एक छोटा सा नेटवर्क है, तो इसका मतलब है मैं कम लोग से जुड़ा हूँ। ऐसे ही कंप्यूटर का भी नेटवर्क होता है, उसको हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पर टाइप अगर बात की गई है, अगर विभाजित किया गया है नेटवर्क पे, तो उसका आधार क्या है? तो यहाँ पर जो बात की गई है वो एरिया की गई है, कि नेटवर्क अगर छोटा होगा तो उसे क्या कहेंगे, नेटवर्क अगर उससे बड़ा होगा तो क्या कहेंगे, नेटवर्क अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे। तो इसमें मुख्यतः तीन भागों में नेटवर्क को बांटा जाता है, जिसे लैन, मैन और वैन कहते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने इन शब्दों को सुना हो। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद आपका आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड थर्ड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। तीन टाइप के नेटवर्क होते हैं, कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड थर्ड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीन टाइप होते हैं, बहुत आसान सी चीज है। इसके सब डिवीजन भी हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सिंपल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स एरिया नेटवर्क, पर इससे सवाल नहीं पूछे जाते। आइए चलते हैं। मैं अच्छा ये क्यों बताता हूँ कि भाई और चीज भी है पर इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए बताता हूँ कि कंप्यूटर का सिलेबस जो है बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सीमित ज्ञान लें, तो मैं ये हिंट जरूर दे देता हूँ, भाई इसमें अगर पढ़ना चाहो तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। लेकिन क्योंकि हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम एक सिलेबस में चल रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूँ कि अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप आगे भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई चलते हुए लोकल आदमी से, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये बताओ, जैसे हम कहते हैं कि ये भाई साहब यहाँ के लोकल हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये भाई साहब इस निश्चित दूरी, जो छोटी दूरी है, ये शहर है, ये कस्बा है, ये गांव है, इसी से बिलोंग करते हैं। तो लोकल का अर्थ होता है छोटी दूरी। ऐसे कोई कंप्यूटर का नेटवर्क जो किसी ऑफिस में हो, किसी बिल्डिंग में हो, किसी रूम भर में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर से एक बार, लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसका एरिया बहुत कम होता है, जो कि ऑफिस में, बिल्डिंग में या किसी रूम तक ही सीमित होता है। अब ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जाहिर सी बात है छोटा नेटवर्क है तो प्राइवेट ही नेटवर्क होगा। और इसमें जो है डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो है दोनों नेटवर्क से अधिक होती है। ऐसा क्यों है भाई? दूरी जब कम चलनी होगी तो जल्दी ही तो चलोगे, समझ रहे हो? मान लो मुझे दो ही कदम चलना है तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, और किसी को ज्यादा दूर जाना है तो जाहिर सी बात है टाइम उसमें लगना ही लगना है। तो इसकी स्पीड तेज होती है पर एरिया क्या होता है? बहुत कम होता है। कितना कम? रूम, ऑफिस, बिल्डिंग तक ये सीमित होती है। फिगर आप देख रहे होगे, एक छोटा सा नेटवर्क ये बनाता है। फिर दूसरे भाई साहब से मिले, उनका नाम था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमने पूछा भैया तुम्हारी रेंज क्या है, तो उन्होंने कहा हमारी रेंज कमरे से ज्यादा है, कमरे से आगे बढ़ चुके हैं हम पूरा आपका मोहल्ला कवर करना हो, पूरा शहर कवर करना हो तो ये सारे काम हम करते हैं। देखिए इसमें फिगर देखिए तो आप आसानी से समझोगे। देखो ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, और ये आपका कुछ एरिया था, टाउन था, इनको आपस में जोड़ना था, तो कौन काम आया? आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क काम में आया। तो क्या कह सकते हैं, इसकी दूरी लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा होती है, ये ज्यादा एरिया कवर करता है, और इसके अंदर शहर भर के रेंज में नेटवर्क आ सकता है, मतलब एक शहर भर का दूरी ये कवर कर सकता है।
फिर कहे अच्छा भैया शहर भर तो काम चल गया, अब इससे ज्यादा चाहिए होगा तो हमको मिले वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, हम कुछ भी कवर कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया भर में भी फैले हो सकते हैं, हम पूरे देश भर में भी फैले हो सकते हैं, शहरों को कई सारे 10-15 शहरों को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा हो सकती है, एक कंट्री भर में हो सकती है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी फैली हो सकती है। जैसे कंट्री भर में देखें तो आपका जियो का नेटवर्क है, वो देखिए पूरा आपके कंट्री को जोड़कर रखे हुए है, ठीक। तो ये आपका कौन सा होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। समझ गए इतनी इस चीज को, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए फिगर भी मैंने दे दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है नेटवर्क टोपोलॉजी की। सर ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, चलो आओ बात करते हैं। देखो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, देखो कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं पर किस तरीके से जुड़ रहे हैं ये हमारी टोपोलॉजी है। फिर से एक बार, कंप्यूटर फिजिकली आपस में जुड़ रहे हैं पर किस तरीके से जुड़ रहे हैं ये हमारी टोपोलॉजी होती है। समझ में आया कि नहीं, इसमें आपका क्या बात हो रही है, फिजिकली कैसे कंप्यूटर जुड़े हैं, इनका आपस में डेटा फ्लो कैसा है, इसी की यहां पर बात की जाएगी। सर क्या इसमें कुछ टाइप होते हैं, कुछ क्या बहुत टाइप होते हैं। देखिए जैसे आपकी बस टोपोलॉजी होती है, रिंग स्टार मेस ट्री, ये टोपोलॉजी तो हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है, वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी टोपोलॉजी है, एक एक करके डिस्कस करने चल रहा हूँ। उम्मीद है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर बड़ा लेक्चर बनाया करिए, तो ये बड़ा लेक्चर मैं बना रहा हूँ। अब इसमें देखिए कैसा रिस्पांस बच्चे दे रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, लाइक देखिए आप समझ जाएंगे क्यों एक टीचर बड़ा लेक्चर बनाने से कतराता है। क्योंकि इंटरटेनमेंट की चीज़ें बड़ी बना दीजिए तो बच्चे एकदम चाव से देखते हैं, लेकिन एजुकेशन की चीज़ें आप मुफ्त में पूरा दे दें बड़े कंटेंट में, कि इतना हाई क्वालिटी का कंटेंट, मैं जान रहा हूँ ना कि किस तरीके इस कंटेंट की कीमत क्या है, या कोई बच्चे अगर पेड बैच ले चुके होंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो इसको बता देंगे इसकी कीमत क्या है। और इस पर लाइक देख लीजिए आप, कमेंट अपने देख लीजिए किस तरीके के आ रहे हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो अभी यहां तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो ये तो कहानी है, लेकिन कहानी को चित्र से समझना आसान हो जाता है, तो हम चित्र की तरफ चलते हैं। नाम क्या है, बस टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी बस के जैसे सीधी होती है, फिर से एक बार, ये टोपोलॉजी बस के जैसे सीधी होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बस टोपोलॉजी पड़ गया, ठीक। अब इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो देखो इसमें आपका एक मेन तार होता है और उसी से आपकी सारी डिवाइसेस जुड़ी रहती हैं। समझ में आया, एक मेन तार है और उसी से सारी डिवाइसेस आपकी जुड़ी हुई हैं, ठीक। अब मान लो इस पहले कंप्यूटर को इस चौथे कंप्यूटर के पास सिग्नल भेजना होगा, तो कैसे भेजेगा, यहां पर आएगा, सिग्नल ट्रांसमिट किया, ये आपके मेन वाले तार में जाएगा, मेन वाले तार से होते हुए चौथे कंप्यूटर के पास सिग्नल चला जाएगा। इस तरीके से तो सिग्नल भेजा जाता है। लेकिन मान लो यहां पर चौथे कंप्यूटर के पास जब पहुंचा तो ये सिग्नल रिसीव करने के अवस्था में ना रहा, मान लो बंद रहा, तो ये सिग्नल तो इस तार में घूमता रहेगा, तो बाकी कंप्यूटर को जब सिग्नल भेजना होगा तो उसमें दिक्कत करेगा ना। मान लो आप गली में ट्रक घुसा दोगे तो बाकी गाड़ियां कैसे आएंगी। तो इस सिग्नल के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि अगर कंप्यूटर रिसीव नहीं करता है तो सिग्नल ऐसे जाएगा 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 और आखिरी में यहाँ पे टर्मिनेटर लगा होता है। टर्मिनेटर का काम क्या होता है, टर्मिनेट करना, खत्म कर देना। तो सिग्नल को यहाँ पर अगर पहुंच गया तो इसका मतलब है कोई रिसीव नहीं किया, मतलब यहां से चला और किसी ने भी रिसीव नहीं किया तो ये कहेगा भैया खत्म हो जाओ, टर्मिनेट हो जाओ, तुरंत ये सिग्नल यहां से डिलीट हो जाएगा और आपकी बैकबोन जो ये मेन तार है वो खाली रहेगी। तो इससे एक चीज समझ में आई कि दोनों छोर पे क्या लगा होता है, टर्मिनेटर लगा होता है, दोनों किनारों पे, इस तरफ भी उस तरफ भी। और इसका काम क्या होता है, सिग्नल को टर्मिनेट करना, अगर किसी कंप्यूटर ने सिग्नल को रिसीव नहीं किया तो उसको खत्म कर देना। और ये मेन तार जो होता है इसको कहते हैं बैकबोन। जैसे आपके शरीर में आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन, मेन तार मतलब मेन हड्डी जो होती है उसको क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। ऐसे इसकी जो मेन हड्डी है वो ये तार है, अगर इस तार को तोड़ दिया जाए, इस तार को हम तोड़ दें तो क्या ये नेटवर्क चल पाएगा, जाहिर सी बात है नहीं चल पाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, बैकबोन रखा गया, ठीक। तो क्या क्या चीज समझ में आई, इसमें सारे कंप्यूटर एक मेन तार से जुड़े होते हैं जिसका नाम बैकबोन है, और हर मतलब दोनों अंत पे टर्मिनेटर लगा होता है जो सिग्नल को कैंसिल कर देता है।
इसकी खासियत क्या है, ये बहुत सिंपल टाइप की टोपोलॉजी है। इसमें नए कंप्यूटर जोड़ना वाकई में बहुत आसान है। नया कंप्यूटर लाओ, ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर भी कुछ अच्छाई है, कुछ समस्या भी आती है। सर इसमें क्या समस्या है? इसमें एक समस्या है कि ये जो है, अगर आपने मेन केबल में दिक्कत ला दी, मतलब इसमें बैकबोन में कोई दिक्कत आ गई, तो पूरा नेटवर्क आपका कोलैप्स कर जाएगा। पूरे नेटवर्क में कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजों का आधार आपका बैकबोन ही होता है। तो ये चीज आपकी किसके बारे में हुई? बस टोपोलॉजी के बारे में हुई। थ्योरी आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको यही मिलेंगी। फिर बस टोपोलॉजी में किसी ने बुद्धि लगाई, कहा कि भैया क्या करें क्या करें। तो उन्होंने कहा भैया एक रिंग टोपोलॉजी लाते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी लाई गई कुछ ऐसे, ठीक। इसमें क्या किया गया, जो आपकी बस टोपोलॉजी थी, ऐसे सीधी थी ना, यहाँ पर बनाते हैं, देखिए ऐसे सीधी थी ना, तो इन दोनों अंत को, यहाँ पर इन दोनों एंड को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, आपस में जोड़ दिया, और क्या बन गया, ये बन गई एक रिंग, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रिंग टोपोलॉजी रख दिया। और किनारे किनारे क्या किया गया, किनारे किनारे आपके, वैसे मेरी ड्रॉइंग कितनी अच्छी है आप देख ही रहे होंगे, लेकिन क्या करें भाई, माउस से बना रहे हैं तो ऐसे ही बनेगी। किनारे किनारे क्या जोड़ दिया, कंप्यूटर जोड़ दिया, और क्या तैयार हो गई, आपकी रिंग टोपोलॉजी तैयार हो गई। अब इसकी खासियत क्या थी समझते हैं, ठीक। इसकी खासियत ये थी कि इसमें जो है बीच में एक टोकन दिया रहता था। सर टोकन क्या होता है, इसको तो कहीं हमने सुना है ना, टोकन कहाँ सुना है बताओ बच्चों, टोकन शब्द कहाँ पर सुना है आपने? तो टोकन शब्द हमने सुना है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं नंबर लगवाने, तो हमें टोकन मिलता है ना कि आपका नंबर 15वां है, या कहीं पे फूड ऑर्डर करिए तो भी टोकन मिलता है कि आपका 5वां नंबर है, 5वें नंबर पे आपको ऑर्डर मिलेगा। तो जहां कहीं पे भी क्रम की बात आती है वहां पर टोकन हो जाता है। क्या चीज, फिर से, जहां कहीं भी क्रम की बात आती है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो वहां पर टोकन इंट्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ही इसमें भी टोकन ऐसे घूमता रहता था, पहले इसके पास आता था, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, ऐसे ही बारी बारी सबके पास आता रहेगा और गोल गोल घूमता रहेगा टोकन। और टोकन क्या काम करता है, टोकन कहता है भैया जिसके पास हम रहेंगे वही एक्सेस कर पाएगा नेटवर्क का, और बाकी सारे तब तक वेट करेंगे। क्या चीज, जिस कंप्यूटर के पास टोकन होगा वही नेटवर्क का यूज कर पाएगा, डॉक्टर के पास वही जा पाएगा जिसका टोकन नंबर आएगा, और बाकी सब तब तक क्या करेंगे, वेटिंग एरिया में वेट करेंगे। और जब दूसरे नंबर के पास, मतलब मान लीजिए अभी टोकन इसके पास है, इसने सिग्नल भेजा, रिसीव किया, जो काम करना था करा, फिर टोकन उठ के इसके पास गया, अब ये वाला कुछ नहीं कर पाएगा, ये वाला नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा और बाकी सारे कंप्यूटर क्या करेंगे, वेट करेंगे। इससे एक फायदा ये हुआ कि नेटवर्क में जाम नहीं लगा, ट्रैफिक जाम लगना बंद हो गया, और जिस कंप्यूटर के पास टोकन होता था वही सिग्नल भेजता था, बाकी सब वेट करते थे। और इसमें ये चीज नहीं थी, इनका मन किया भैया ये सिग्नल भेज रहे हैं, इनका मन किया ये भेज रहे हैं, इनका मन किया ये भेज रहे हैं, और रास्ता एक ही है, तो सिग्नल आपस में टकराते थे, जिसके कारण सिग्नल कोलैप्स हो जाता था, ट्रैफिक हाई हो जाती थी और नेटवर्क डाउन हो जाता था। इसीलिए इसमें कहा भैया बहुत तुम लोग नाटक कर रहे हो, हम टोकन लेते आते हैं, जिसके हाथ में टोकन वही नेटवर्क का यूज करना, और ये टोकन घूमता रहेगा, ऐसा नहीं कि इनके पास आ गया हाथ में लेके बैठे, एक निश्चित समय के बाद टोकन अगले वाले के पास जाएगा और अगला सर्विस का इस्तेमाल करेगा। तो कहा गया अच्छा ठीक है, अब मतलब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी समस्या सॉल्व होने लगी। फिर एक और टोपोलॉजी आई, वो आई स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या चीज होती है, तो देखो ये टोपोलॉजी बहुत सिंपल थी, बहुत आसानी से देखो समझ में आएगा एक बार में। इस फिगर को देख रहे हो, इसमें एक सेंटर कंप्यूटर होता था, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हो सकता है मेरे सिर को आप देख रहे हो, ठीक है ऊपर चला गया है। चलो देखो इसमें क्या होता था, एक सेंटर कंप्यूटर होता था और बाकी सारे कंप्यूटर इससे डायरेक्टली जुड़े हुए होते थे। फिर से एक बार, एक सेंटर कंप्यूटर है और उससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, सॉरी उससे सारे कंप्यूटर क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और जब भी किसी सिस्टम को, मान लो पहले वाले को भेजना है चौथे वाले के पास सिग्नल, तो ये भेजेगा इसी मेन वाले सिस्टम के थ्रू भेजेगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई। और इस मेन सिस्टम को क्या कहते थे, हब कहते थे। क्या चीज, हब कहते थे, सर्वर कहते थे, और बाकी सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हुए रहते थे। आसान सी चीज है, देख रहे हैं फिगर, आसानी से समझ में भी आ गया होगा। इसमें सब कुछ अच्छा था और ये
ऐसी जगहों पर यूज किया जाता था जहां पर हमें एक कंप्यूटर पावरफुल चाहिए होता था और बाकी सारे कंप्यूटर नॉर्मल क्वालिटी के चल जाते थे। तो ऐसी जगहों पर ये वाले कंप्यूटर यूज किए जाते थे। इसमें सब तो अच्छा था, नया कंप्यूटर जोड़ना भी आसान था, लेकिन फिर से वही दिक्कत थी कि भाई साहब मान लो अगर इसी कंप्यूटर में दिक्कत आ गई तो क्या होगा, तो हो जाएगा सत्यानाश। समझ में आया कि नहीं? तो इस कंप्यूटर की मतलब इस टोपोलॉजी की ये खासियत भी थी। एक खासियत क्या थी कि सेंटर कंप्यूटर था, उसको अगर सिग्नल भेजना हो सबके पास एक साथ भेज सकता था, लेकिन उसके साथ कमी क्या थी कि अगर उसमें खराबी आ गई तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली टोपोलॉजी की, जो कि है हमारी मेस टोपोलॉजी। अब मेस टोपोलॉजी तो बाद में पढ़ेंगे, मेस का मतलब क्या होता है बताओ बच्चों? मेस का मतलब होता है उलझी हुई, कहते उलझी हुई चीज ना, कहते हैं ना मेरी लाइफ एकदम मेस हो गई है। मेस का मतलब पूरी लाइफ उलझ गई है। तो इस तरीके की टोपोलॉजी मेस टोपोलॉजी कहलाती थी, जो एकदम उलझी हुई हो। इसमें क्या होता था, इसमें हर कंप्यूटर बाकी सब कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़े हुए होते थे। फिर से एक बार, एक कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा होता था। जैसे मान लीजिए इसको नंबर 1 में रख दूं, तो ये नंबर 2 से देखो डायरेक्टली जुड़ा है, नंबर 3 से देखो डायरेक्टली जुड़ा है, नंबर 4 से डायरेक्टली जुड़ा है, नंबर 5 से डायरेक्टली जुड़ा है, नंबर 6 से डायरेक्टली जुड़ा है। देख रहे हैं? ऐसे ही दूसरा कंप्यूटर देखो, सभी कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा है। मतलब अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास सिग्नल भेजना हो तो किसी और कंप्यूटर के थ्रू होके नहीं आएगा, ऐसे सीधे चलाएगा। सर इससे खासियत क्या है, मतलब इससे फायदा क्या हुआ? इसमें ट्रांसमिशन स्पीड बहुत तेज थी, क्योंकि बीच में ट्रैफिक था नहीं, पर्सनल नेटवर्क है, तड़ाक से चला जाता था। सर दिक्कत क्या थी? दिक्कत देखो सामने दिख रही है कि तार बहुत ज्यादा लगता था, और तार लगेगा तो दाम बढ़ेगा, तो ये बहुत कॉस्टली टाइप की आपकी टोपोलॉजी थी, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती थी, वायर का कॉस्ट बहुत ज्यादा था। बाकी ये बहुत उलझी टोपोलॉजी थी, इसमें दिक्कत आने पे फॉल्ट वोल्ट में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि देख ही रहे, देख के फिगर लग रहा होगा ना कि इसको बनाना इंस्टॉल करना कितना कठिन होता होगा। फिर चलिए आगे की तरफ चलते हैं और एक आपको ट्री टोपोलॉजी बताते हैं। अब ट्री टोपोलॉजी देखिए, इसमें जो स्ट्रक्चर था वो पेड़ की तरीके से दिखाया जाता था, और जो स्टार और बस टोपोलॉजी से मिलकर बना होता था। ठीक, क्या चीज? पेड़ की तरीके से दिखता था और स्टार और बस टोपोलॉजी से मिलकर बना होता था। जैसे देखो एक शेप मैं आपको दिखाता हूं, इसमें शायद ना समझ में आ रहा हो, ये देखो ये क्या है, ये बस टोपोलॉजी है। एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, फिगर के साथ थोड़ा एडजस्ट हो जाइएगा, थोड़ा गंदा बनाता हूं मैं। ठीक, और इसी में मान लो हम स्टार बना दिए, ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये देखो ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बनाता था, इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहा जाता था। बाकी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी कहती है जब दो टोपोलॉजी आपस में मिल जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। नाम ये हाइब्रिड मतलब मिक्स होना, तो जब दो टोपोलॉजी आपस में मिल जाएं तो उसको क्या कहते थे, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते थे। तो ये पूरा आपका टोपोलॉजी के बारे में हो गया है। ध्यान से सुने होंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स देता हूं लेकिन जो समझा रहा हूं वो सबसे मेन है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की, कि इंटरनेट में कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। अब इंटरनेट में नेटवर्क बन रहा है तो हार्डवेयर डिवाइसेस तो लगेंगी, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। देखिए यहाँ पर नाम क्या क्या है, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, NIC और मॉडेम। एक एक करके देखते हैं, बहुत आसान चीज़ है। अब सबसे पहले बात आती है रिपीटर की। रिपीटर क्या चीज होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपीट करने वाला। अब सिग्नल मान लो यहां से चला ए पॉइंट से, तो यहां से चला 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 चला, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी नेटवर्क के सिग्नल की पावर घटती जाएगी। तो ये जब घटने लगती है तो यहां पर क्या लगा देते हैं, रिपीटर लगा देते हैं, और ये फिर से सिग्नल को पावर दे देता है ताकि ये दूर तक ट्रेवल करने लगे। फिर घटने लगी, फिर से रिपीटर लगा हुआ है, पावर दे देगा। इस तरीके से रिपीटर सिग्नल को रिपीट करके ज्यादा दूरी तक पहुंचा सकता है। क्या चीज? सिग्नल की रेंज को बढ़ा देता है पावर देके, रिपीट करके, फिर से दोहरा के। जैसे आपने गेंद फेंकी तो कुछ दूर के पे जाके गिरने लगी, तो जहां पर गिर रही थी कोई और लड़का खड़ा है और उसने फिर से गेंद को उछाल दिया, रिपीट कर दिया। वही चीज काम क्या है, रिपीटर का है नेटवर्क में। ठीक, चलिए हब क्या चीज है, एक सेकेंड, चलिए हब क्या चीज है, हब के बारे में अगर देखिए पढ़िए तो एक हब मूल रूप से मल्टी पोर्ट रिपीटर है। एक हब विभिन्न शाखाओं से आने वाले कई तारों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टर जो
विभिन्न स्टेशनों को जोड़ता है। देखिए ये क्या है, मल्टी पोर्ट रिपीटर है, रिपीटर जैसा है लेकिन मल्टी पोर्ट रिपीटर है, कई सारे पोर्ट को अटैच करके रिपीट कर सकता है। इसके बाद देखिए स्विच क्या है, तो स्विच का काम है नेटवर्क में डिवाइसेस को आपस में जोड़ना। क्या चीज, नेटवर्क में डिवाइसेस को जब आपस में जोड़ना होता है स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ब्रिज का काम आता है, ब्रिज कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या चीज, कई सारे लैन को आपस में जोड़ने का काम कोई करता है तो कौन करता है, ब्रिज करता है। फिर राउटर क्या होता है, तो राउटर देखिए नेटवर्क में समझ लीजिए ये ट्रैफिक कांस्टेबल है जो रास्ता दिखाने का काम करता है। मान लीजिए आपका सिग्नल कहीं से चल रहा है, मान लीजिए ए पॉइंट से चल रहा है और बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो इंटरनेट में कई सारे रास्ते हैं, यहां से जाने के कई सारे रास्ते हैं, तो राउटर का काम क्या होता है, राउटर सबसे बेस्ट रास्ता बताता है, भैया ए से बी तक जाना है तो सबसे बढ़िया वाला रास्ता है कि इधर से कट के निकल लो, आप जल्दी से पहुंच जाओगे, ट्रैफिक भी कम है और आपका पता भी सही पहुंच जाएगा। देख रहे हैं ये पता एकदम सही बताता है, मतलब इसका दो काम होता है, एक सही जगह पर पहुंचाना, एक सबसे अच्छे रास्ते से पहुंचाना, ये किसका काम है, राउटर का काम है। ठीक, इसके बाद चलिए गेटवे की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। तो गेटवे एज द नेम सजेस्टेड इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। अगर दो नेटवर्क अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल पे काम कर रहे हो तो उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, गेटवे करेगा। ठीक, और ये क्या करते हैं, दे वर्क एज मैसेंजर एजेंट, मैसेंजर एजेंट के तरीके से काम करते हैं, जो एक सिस्टम से नेटवर्क डेटा को लेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्या चीज मेन चीज है, डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स पे काम कर रहे हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने का काम ये करता है। ठीक है, इसके बाद आपका एनआईसी आता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसका काम देखेंगे तो ये एक नेटवर्क एडाप्टर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, आपका कंप्यूटर है नेटवर्क से जो इसको जोड़ दे वो क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ठीक, आपके कंप्यूटर को क्या करता है, नेटवर्क से जोड़ने का काम एनआईसी कार्ड करता है। और फिर आखिरी में आपका मॉडेम आता है, और मॉडेम का काम क्या होता है, तो मॉडेम का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। फिर से एक बार, एनालॉग का क्या काम होता है, मॉडेम है जो आप सॉरी मॉडेम का क्या काम होता है, जो एनालॉग सिग्नल को किसमें बदलेगा, डिजिटल में, और फिर से डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करता है, उसको हम मॉडेम कहते हैं। ठीक, चलिए तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए। अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।